दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यहाँ दिया हुआ है कि सम आर्टिकल्स वेयर बोट एट 6 4 रुपीज़ 5 एंड सोल्ड एट 5 4 रुपीज़ 6। तो आपसे पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। तो देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आर्टिकल है ना, तो हम लिख लेते हैं ये हो गया आपका आर्टिकल्स और यहाँ लिख लेते हैं प्राइस। ठीक है, अब देखोगे अब ये बोट यानी खरीद रहा है कितना आर्टिकल 6, तो कितने में 4 5 रुपीज़, और सोल्ड कर रहा है कितने आर्टिकल को 5 कितने रुपीज़ में 6 रुपीज़ में। ठीक है, तो देखोगे ये हो गया आपका खरीद रहा है यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बोट वाला, कितना आर्टिकल 6 आर्टिकल, तो आर्टिकल के नीचे 6 लिखते हैं और यहाँ पे हो गया प्राइस 5। ठीक है, यहाँ तक। अब देखोगे सोल्ड यानी SP कितना आर्टिकल 5 कितने रुपीज़ में 6 रुपीज़ में। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल वाला पार्ट है ना इसको हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे, याद रखोगे। तो कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, बस यहाँ पे 5 से इंटू कर देंगे, इस वाले में 6 से इंटू कर देंगे, तब तो सेम हो गया 6 5 जो 30, अब 5 6 जो 30। देखोगे अब ये कॉस्ट प्राइस वाला लाइन है ना, ये मैं ऐसे दे देता हूँ, ये देखोगे ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस वाला है, तो यहाँ 5 से इंटू किया हो तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, यानी आप बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब सेलिंग प्राइस क्या है, तो देखोगे यहाँ कितने से इंटू किए हम 6 से इंटू किया ना, तो इसमें भी क्या करेंगे 6 से इंटू करेंगे, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा 36 रुपीज़। तो देखोगे अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है बड़ा है ना, तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस यानी क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है इससे इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11, तो बोल सकते हो 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और नीचे कॉस्ट प्राइस आता है यानी 25, और इंटू में फिर क्या लेते हैं 100 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज। इसको कैंसिल करते हैं कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स 11 × 4 करोगे तो कितना होगा 44, यानी बोल सकते हो कि 44% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट, इजी था। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।